हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.16। ठीक है, इसमें कह रहा है टू मासेस 8 केजी एंड 12 केजी आर कनेक्टेड एट टू एंड्स ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रैक्शनल लेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये पुली सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये कोई पुली है, ठीक है, ये कोई पुली हो गई और इसको इससे अटैच कर दो ये। ठीक है, अब यहां पे क्या है, टू मासेज अटैच्ड किए गए इस पुली से। ठीक है, ये पुली से मैं दो मासेज अटैच कर दिया। ठीक है ना, अब एक मासेज लो, ये जैसे ये M1 और ये ले लो M2। क्लियर, M1 कितना दे रखा है, M1 इसको जैसे 8 केजी ले लो और ये ले लो 12 केजी। क्लियर हो? ठीक है, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए आपके पास में, जैसे पुली बेस्ड सिस्टम हो, ठीक है, और जिसमें टू मासेस अटैच करा हुआ हो, इन ध्यान से सुनो, किससे, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, और दूसरा फ्रैक्शन लेस पुली हो, है ना, और आपसे इस पूछे कि इसमें टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। ध्यान से सुनो, देखो यहां पे मास M2 है, 12 केजी है, यहां 8 केजी है, और जैसे ही रिलीज्ड करेंगे तो कैसे जाएगा बताओ, 12 केजी इस ऐसे होगा ना मोशन। क्लियर, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो, देखो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला होता है M2 plus M1 और g, और टेंशन का फॉर्मूला होता है 2M1 M2 plus M1 M1 और g। क्लियर, अब इसमें फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, देखो 12 minus 8 डिवाइड बाय 12 प्लस 8 इंटू जी 10 ले लो, ठीक है, और 2 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है, डिवाइड बाय 12 प्लस 8 इंटू 10, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, और टेंशन कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 2 12 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 12 × 96 न्यूटन फोर्स, मतलब टेंशन कितनी आएगी 96 और एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बात हो गई डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे आया, ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि इसको निकालना है, ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हमेशा पुली सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगर इससे भी कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर अपनाना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे M1 को पार्टिकल कंसीडर कर लो, ठीक है, अब इस M1 पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली M1 पे कंसीडर करो, कहां पे, इधर उधर नहीं, ओनली M1 पे कंसीडर करो, ठीक है, तो इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ लग रहा है M1g ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स। अगर ये ऐसे मोशन कर रहा है तो टी लगेगा ना, टेंशन टी। क्लियर, ठीक है, तो टी ऊपर की तरफ लग रहा है ना। मैं आपसे पूछूं कि सेकंड लॉ लिखो FY=MAY एक्सेलरेशन, ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को, अगर ये इस ऐसे मोशन कर रहा है तो ये वाई डायरेक्शन होगी, इसको वाई डायरेक्शन ले लो, ये वाई डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव दे दो साइन, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ दे सकते, मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव किया, ठीक है। अब मुझे बताओ नेट फोर्स कौन कौन से लगे इस वाले पार्टिकल पे, तो आप कहोगे टी पॉजिटिव ऊपर की तरफ माइनस M1g, ठीक है, इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन MA1y, लिख दूं क्या, इसको 1 दे रहा तो 1 और y। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका कैसे बनाएगा, ये इसी पे कंसिडर करो, तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ M2g और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा इसके, ठीक है दोस्तों। देखा ये ऐसे खींच रहा है, तो ये स्ट्रिंग पे इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मास M2 फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में लगाएगी, ऊपर की तरफ, तो ये होगा टी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वही ये वाई डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली को पॉजिटिव दे रहे, ठीक है, तो अब ये बात बताओ इसको करो टी माइनस M2g इक्वल टू M2y है ना। अब ये बताओ
सॉरी ये T1 T2 तो लिखा ही नहीं, T1 और T2 क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये टेंशन है ना T1 और T2, अगर ये लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन लेस पुली से ये मोशन हो रहा है और लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो एक्सेलरेशन दोनों का कॉन्स्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और इस अगर बॉडी को पार्टिकल मानते हो तो इसका इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। तो एक काम कर सकता हूं क्या, अगर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लो, देखो कैसे करोगे, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव कर दो इसको, ठीक है। अब ये इस इक्वल्स टू पुट को, टी इक्वल्स टू क्या हो गया, मास गुणा एक्सेलरेशन प्लस m1g, और ये हो गया टी इक्वल्स टू m2g माइनस m एक्सेलरेशन, है ना। दोनों को इक्वल कर दो, ma प्लस m1g इक्वल्स टू m2g माइनस m, इसको m1 तो किया नहीं, m1 और ये हो गया m2 और m2, तो m1 m2, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब क्या करना है आपको, इसको इधर लेके आओ, m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m2g और माइनस m1g, इसको इधर उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और इसको उधर लेके जाओ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कॉमन ले लेता हूं, m1 प्लस m2 और ये हो गया m2 माइनस m1 और g, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 g, क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्लियर निकल गया ना एक्सेलरेशन। अब इसमें वही पुट वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 2 m/s², ठीक है। ऐसे ही इनसे क्या निकालना, t वाला भी निकाल लेना, ठीक है। तो t, अब ये निकालने के बाद में हमेशा ये वाले फॉर्मूले याद करना, a इक्वल टू तो क्या होता है ये, और t इक्वल टू क्या होता है 2m1 m2, और नीचे वाला तो सही में आएगा m1 प्लस m2 और ये जी, ये t का भी याद कर लेना, क्लियर है ना। और अगर t का याद नहीं करना चाहते हो तो इस वाले में पुट कर दो, वैल्यूज में फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपका पास में t वैसे भी निकल जाएगा। देखो निकाल के दिखाता हूं, t इक्वल टू m1 कितना दे रखा है 8, एक्सेलरेशन 2 प्लस m1 कितना दे रखा है 8 × 10, ठीक है। तो t इक्वल टू 8 × 16 = 80, तो t इक्वल टू हो गया 96 न्यूटन, ठीक है दोस्तों।